हेलो, आई एम ऑडिबल। यस सर। ठीक है, कितने स्टूडेंट आए हैं? अभी 16 स्टूडेंट आए हैं। एक मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आज तो क्लियर आ रही है ना? मैं घर पे हूँ आज। सर ठीक है, यस सर, पूरे क्लियर सर, आज के लिए सर ठीक है, पूरा स्टार्ट करते क्लियर हैं। सर। एक मिनट में स्टार्ट करते सर सर रोज घर पे ही रह करो। हैं। म्यूट हाँ, मैंने कहा ना, एक मिनट वेट करते हैं। 21 स्टूडेंट है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आज के लेक्चर में लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट लेक्चर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिलेबस जब मैंने देखा ना, तो हम बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं सिलेबस में। ठीक है, क्योंकि सिलेबस सही में से सर्वेइंग का बहुत ज़्यादा है। यूनिट फर्स्ट भी अभी हमारी आधी नहीं हुई है, जबकि और सब्जेक्ट्स में दो दो यूनिट खत्म हो चुकी हैं। तो इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है कि आज ना लेवलिंग का एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, और उसमें सारे डाउट सारे कॉन्सेप्ट लगा के उसे क्लियर कर देंगे, उसका लेवलिंग खत्म कर देंगे। उसके बाद भी क्योंकि लेवलिंग में हर न्यूमेरिकल में हो सकता है आपको डाउट आए, इसके बाद कोई और न्यूमेरिकल आप खुद ही प्रैक्टिस करो उसमें डाउट आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप वो न्यूमेरिकल जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप मेरे को सेंड करोगे व्हाट्सएप पे। मैं उसको सोल्व करके एक वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो को मैं अपलोड करके लिंक भेज दूंगा। ठीक है, लेक्चर में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं लेक्चर में बताऊंगा तो लेक्चर कम पड़ जाएंगे सिलेबस खत्म होने में। ठीक है, तो आज के बाद लेवलिंग के न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व करोगे, जो दिक्कत आती है न्यूमेरिकल मुझे भेजोगे, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के लिंक आपको भेज दूंगा। वो लेक्चर में नहीं कराऊंगा क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर हमारे पास कम है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग मैंने क्यों ओपन किया है? दरअसल जब हम लेवलिंग के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तो दो मेथड होते हैं लेवलिंग के, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और आपका राइज एंड फॉल मेथड। दोनों न्यूमेरिकल जब हमने सोल्व किए तो उसमें तो फर्स्ट रीडिंग थी वो आपकी बेंचमार्क थी। ठीक है, और बैक साइड, फोर्थ साइड और इंटरमीडिएट साइड की भी डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल हम सोल्व कर रहे थे, आज भी करेंगे उसको, जिसमें बेंचमार्क लास्ट में है या बीच में है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भाई? आपको अगर मैं बोलूं कि आप हमारे कॉलेज के स्टेडियम के ग्राउंड की लेवलिंग करो, तो लेवलिंग जब आप स्टार्ट करोगे ट्राईपोर्ट लेवल और स्टाफ को लेके फील्ड में जाओगे, तो सबसे पहली रीडिंग जो आप मेजर करोगे वो आप उसका बेंचमार्क एज्यूम या फिर बेंचमार्क लेके तब करोगे। तो फिर ये ऐसा कैसे हो गया कि लास्ट रीडिंग का बेंचमार्क है फर्स्ट का नहीं है? यानी कि आपने फर्स्ट पॉइंट जो मेजर किया है उसको कुछ भी नहीं पता, आपने ऐसे ही मेजर कर लिया। तो हम रेफरेंस लेके जब किसी चीज़ की रीडिंग लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो पहला पॉइंट तो पता होना चाहिए ना। तो ऐसा कैसे हो गया कि लास्ट में बेंचमार्क आ रहा है या बीच में आ रहा है? तो इसलिए मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग खोला है। इसमें जो फोर्थ लेवलिंग है आपका चेक लेवलिंग, स्लाइड दिखाई दे रही है ना? तो इसमें इसमें चेक लेवलिंग की डेफिनेशन अगर आप याद हो तो मैंने बताया था कि जब लेवलिंग हमने खत्म कर दी एंड ऑफ द डे, अब उस लेवलिंग को हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पर हमने खत्म करी लास्ट पॉइंट उसको बेंचमार्क मान के, और हम इनवर्स कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट रीडिंग थी बैक साइड बेंचमार्क वाली वहां तक पहुंचेंगे, तो उसकी वही रीडिंग आनी चाहिए जो हमारी स्टार्टिंग में हमारा नॉन आरएल था। ठीक है, इसको अगर मैं ग्राफिकली बताऊं तो ऐसे मान लो ये आपके पॉइंट्स हैं ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ए हमारा बेंचमार्क था और हमने स्टार्टिंग किया अपना सर्वेइंग, और करते करते ई पे हमने खत्म कर दिया। अब ई पे जो रीडिंग है उसको हम बेंचमार्क एज्यूम कर लेंगे, और हम इनवर्स कैलकुलेशन करेंगे,
और हमारा ए पर जो बेंचमार्क है वो हमारा अननोन होगा, वो आना चाहिए जो हमारे पहले से नॉन था। तो इस तरह से हम चेक करते हैं और इसी लेबलिंग को हम बोलते हैं चेक लेबलिंग। तो इस चीज आपको डेफिनेशन भी याद हो गई और आज इसका एक न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है आपका ये, ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। इसमें जो बेंचमार्क है आपका वो ये है, रिमार्क में लिख देता हूं मैं बेंचमार्क, ठीक है। अब ये रीडिंग है, आज का न्यूमेरिकल थोड़ा लंबा होने वाला है पर सॉल्यूशन इतना लंबा नहीं होता, आपको समझाने के लिए केवल इतना लंबा है क्योंकि मैं समझाने के लिए इसको थोड़ा ग्राफिकली भी समझाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग जो है हमारी बैक साइड है 1.66, ये हमारी है बैक साइड 1.622 मीटर। और लास्ट रीडिंग जो है हमारी फोर्थ साइड है वो आपको पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लास्ट रीडिंग जो होती है फोर्थ साइड होती है 2.036 मीटर। और इसका बेंचमार्क भी गिवन है, बेंचमार्क गिवन है इसका मतलब इसका आरएल है आपको गिवन, इसका आरएल है 83.5 मीटर, 83.5 मीटर बेंचमार्क है। इसकी ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करता हूँ पहले मैं, तो आप क्लियरली समझ जाएंगे इसे, सब चीजें बनाई हुई हैं, आज टाइम नहीं लगेगा तब बनाने में। ये देखो फर्स्ट रीडिंग है हमारी 1.622 और इसको नाम क्या दिया हुआ है बैक साइड। बैक साइड क्यों गिवन है, क्योंकि इसका आरएल हमें नॉन होगा जब हम सिंपल लेवलिंग कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ये चेक लेवलिंग है तो अभी इसका आरएल नॉन अननोन है, लेकिन ये रहेगी हमारी बैक साइड ही। तो ये बैक साइड है हमारी, तो यहाँ पे देखो मैंने एक स्टाफ बनाया है, बैक साइड लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसकी रीडिंग है 1.622 मीटर, जिसका स्टाफ का नंबर है 1 और जिस स्टेशन पे हमारा ट्राई वो रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट वो है स्टेशन ए। और नीचे मैंने एक रफली मीन सी लेवल भी बना दिया हुआ, एम एस एल का मतलब है मीन सी लेवल, ठीक है, समुद्र तल। और ठीक है ऊपर हमारा ग्राउंड है जिसके ऊपर हम लेवलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टाफ की रीडिंग बैक साइड है जो है 1.622 मीटर, सेकेंड रीडिंग है हमारी बैक साइड या फोर्थ साइड, कोई बताएगा मुझे, जरा कोई बताए, जो सेकेंड रो है रो नंबर 2, ये रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 में दो रीडिंग आ रही है बैक साइड और फोर्थ साइड, ठीक है, तो इसमें से सेकेंड रीडिंग कौन सी होगी। कोई बताए मेरे को, फोर्थ साइड होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि देखो ये जो स्टाफ 2 पे हमने रखा है और क्योंकि हमारी इस वाले पॉइंट पे रो 2 में दोनों रीडिंग दिखा रहा है बैक साइड और फोर्थ साइड, इसका मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट उठाया गया है, तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे हम, सीपी पॉइंट, ठीक है। और सीपी पॉइंट जब होता है तो पहले हमारी फोर्थ साइड आती है, तो हमने पहले कौन सी रीडिंग ली है, फोर्थ साइड, जिसकी वैल्यू है 3.54 मीटर, 0.345 मीटर। अब इंस्ट्रूमेंट को हमने रखा बी पर और हमने 2 पे जो स्टाफ रखा उसको दोबारा देखा तो हमें मिल गई बैक साइड, जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है बैक साइड, यानी 1.874। अब जो तीसरी रो है रो नंबर 3, इस पर भी दो साइड दी हुई है बैक साइड फोर्थ साइड, यानी कि ये भी चेंजिंग पॉइंट है, तो इसमें भी पहले जो रीडिंग ली गई होगी 1.780 ली गई होगी, दूसरी रीडिंग होगी आपकी बैक साइड, लेकिन एक ही स्टाफ पे ली गई होगी ये। तो अगर आप देखोगे तो नंबर स्टाफ नंबर 3 इस पे फोर्थ साइड रीडिंग है 1.7280 और बैक साइड है 2.030। अगर आप टेबल में देखोगे तो ये दोनों रीडिंग जो हैं एक ही स्टाफ पे ली गई हैं, ये दोनों रीडिंग भी एक ही स्टाफ पे ली गई हैं, दो स्टाफ हो गए और ये रीडिंग अलग स्टाफ पे ली गई। अभी तक हमारे 3 स्टाफ हो चुके हैं, अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो 3 स्टाफ हो चुके हैं, 1, 2, 3। अब जाते हैं फोर्थ रो में, फोर्थ रो में इंटरमीडिएट दी गई है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट वहीं पे रखा हुआ है जहाँ पहले रखा हुआ था और हमने दूसरे स्टाफ को देखा। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ये देखो स्टाफ जो है हमारा यहाँ पे सी पॉइंट पे, जो हमारा तीसरा चेंजिंग पॉइंट था, यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट साइड ये है फोर्थ स्टाफ, ठीक है, और उसके बाद हमने फिफ्थ स्टाफ को भी यहीं से देखा जहां पे इंस्ट्रूमेंट हमारा है अभी सी पे। तो जब फोर्थ को देखा तो हमें फोर्थ साइड मिल गई और फिर इंस्ट्रूमेंट उठा के हमने डी पे रखा तो इसी को देखा स्टाफ को, तो फिफ्थ, जो है आपका फिफ्थ पे दो रीडिंग है फोर्थ साइड एंड बैक साइड। आप देखोगे फोर्थ पे इंटरमीडिएट है और फिफ्थ पे हमारी बैक साइड फोर्थ साइड है,
इसी तरह सिक्स पे हमारी बैक साइड फोर साइड है, और यहाँ पे बस समझने वाली बात यह है कि जब हमने ई पे इंस्ट्रूमेंट रखा तो सिक्स स्टाफ पे तो बैक साइड फोर साइड मिल गई और लास्ट रीडिंग हमें फोर साइड मिल गई जिसका बेंच मार्क हमें गिवन है। तो ये हमारा पूरी टेबल बन गई, ठीक है, जिसमें हमारे पास बैक साइड्स हैं, इंटरमीडिएट साइड है, फोर साइड है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं पता है, आरएल नहीं पता है, केवल एक पॉइंट का आरएल पता है लास्ट वाले साइड का। यहाँ पे समझाने वाली चीज ये थी कि क्योंकि हम हमेशा से कहते आए हैं कि बैक साइड वो साइड होती है जिसका आरएल नॉन हो, तो फर्स्ट साइड जो है हमारी बैक साइड इसलिए है क्योंकि उसका आरएल नॉन है, लेकिन क्योंकि ये चेक सर्वेइंग है तो इसमें इनवर्स चलेंगे, जो लास्ट रीडिंग लिए उसको बेंचमार्क मानेंगे और कंफर्मेशन करेंगे कि ये ठीक है ठीक है, उल्टा हम इनवर्स कैलकुलेशन करेंगे सारी की सारी, और फर्स्ट रीडिंग का जो हमें आरएल नॉन था अभी हम उसको मान के चल रहे नहीं है, और हम उल्टी इनवर्स कैलकुलेशन से पता करेंगे कि जो हमें पहले नॉन था वो क्या करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, आरएल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूले काम करते हैं हमारे जब हम सिंपल लेवलिंग करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, और जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो फॉर्मूले थोड़े से डगमगा जाते हैं, कुछ फॉर्मूला काम करता है कुछ नहीं, इसलिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आपका बेंचमार्क कहीं पर भी हो, ऊपर हो नीचे हो, फॉर्मूला याद हो या नहीं हो, आप सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको अंडो करता हूँ और आपको एक एक चीज बताता हूँ, इसको ध्यान से देखना मेरे को, मैंने ये अपलोड भी कर दूंगा मैं सॉल्यूशन भी इसका। बेंचमार्क हमें गिवन है और हमारा आरएल भी हमें गिवन है 83 पॉइंट, या इसका सॉल्व मेरे पास सॉल्यूशन है इसका, उसी में हम डिस्कस करते हैं। ये रहा, ठीक है, रेड पेन से मैंने हिंट लिखा हुआ है और ब्लैक पेन से मैंने ब्लैक पेन से जो लिखा हुआ आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल थी, ये टेबल है हमारे पास, और हमें ये सारी चीजें निकालनी है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का कॉलम फिल करना है और आरएल का कॉलम फिल करना है। अब ध्यान से बिल्कुल सुनते जाना, 83.50 मीटर ये बेंचमार्क गिवन है, कौन सी कॉलम का, इस वाले कॉलम का, इसे कॉलम नंबर बोल देते हैं वन, कॉलम नंबर वन, रो नंबर वन का बेंचमार्क गिवन है, आरएल गिवन है। तो हमें रो नंबर वन में कुछ निकालने की जरूरत, मेन एम हमारा क्या है, आरएल निकालना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना नहीं है, मेन एम है हर पॉइंट का आरएल निकालना। अगर किसी पॉइंट का आरएल गिवन है तो हमें उसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या फिर राइज एंड फॉल कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें आरएल निकालना है, और आरएल अगर गिवन है तो हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ब्लैंक है, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें आरएल निकालना है वो गिवन है। तो फर्स्ट रो को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम सेकंड रो में, इनवर्स कैलकुलेशन करनी है, सेकंड रो में आते हैं हम, एक एक रीडिंग को समझते जाना है, ग्राफिकली भी समझना है इसे। सेकंड में हमारे पास दो चीज अननोन है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और आरएल, अभी तो मैंने लिखा हुआ है वैसे अननोन है, ठीक है। अब इसे ध्यान से समझना, अगर इसे ग्राफिकली समझना पड़ेगा आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इस जो ई रो है, ई रो को मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये है आपका इंस्ट्रूमेंट, सॉरी ये है इंस्ट्रूमेंट जिसका पॉइंट है ई, ई री, ठीक है। अब इसमें देखो आप, इसमें आपको दिया हुआ है बैक साइड एंड फोर साइड, ठीक है। फोर साइड जो दी हुई है आपकी वो रीडिंग होगी जहां से आपने इंस्ट्रूमेंट उठा के यहाँ, यानी कि यहाँ पे एक स्टाफ है, ठीक है, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पहले था हमारा, इससे हमने इसको देखा था, तो ये हमारी फोर साइड है। और जब हमने दोबारा इसको देखा यहाँ से तो हमारे पास बैक साइड है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे जो हमारा एक स्टाफ रखा हुआ है ये हमारी फोर साइड है, और यहाँ पे हमारा बेंचमार्क गिवन है। अब ध्यान से देखना इस टेबल में 85.536 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाली हुई है, कैसे निकाली हुई है, जो हमारा फोर्थ साइट है उसमें क्या ऐड किया हुआ है, ये आरएल गिव ऐड किया हुआ है, ये दोनों ऐड करके हमारा जो ऊपर वाला रो है उसकी हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू आरएल प्लस फोर्थ साइट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू प्रीवियस आरएल प्लस प्रीवियस फोर्थ साइट, ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये आया कैसे, यही समझाना है मेन मुद्दा।
इसका बेंचमार्क गिवन है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी गिवन है इसकी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट गिवन है क्योंकि इसका बेंचमार्क गिवन है। यहाँ पे रीडिंग कितनी आ रही है, 2.306, और बेंचमार्क कितना है 83.50। इसका मतलब हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो गई आपका 83.50, तो यहाँ तक है समुद्र तल से, और रीडिंग आ रही है 2 पॉइंट, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी, यानी कि बेंचमार्क प्लस रीडिंग जो आपकी ये फोर्थ साइड रीडिंग है, इसको ऐड कर दिया तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गई। ठीक है, अब हम इस वाले पॉइंट की अगर बात करें, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट यहीं पे रखा हुआ है अभी, तो जो इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहां पर थी वही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहां पे होगी, तो यही मैंने इसमें किया है। देखो ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, यहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं निकाली है, लेकिन निकालोगे तो क्या आएगी, 85.536 ही आएगी, और वही हमने ऊपर ले ली है क्योंकि वो कॉमन है, इंस्ट्रूमेंट हमारा वहीं पर रखा हुआ हिला नहीं है। अगर इंस्ट्रूमेंट हिला नहीं है और उस इंस्ट्रूमेंट से 10 रीडिंग भी आप ले लोगे, उन 10 रीडिंग के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वही होगी जो आपकी किसी एक के लिए होगी। ठीक है, एक चीज और करके समझाता हूं, एक इसको ऐसे समझो, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये स्टाफ है, ये दूसरा स्टाफ है, तीसरा स्टाफ है, फोर्थ स्टाफ है, इस स्टाफ का बेंचमार्क गिवन है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसके लिए भी यही होगी, इसके लिए भी यही होगी, इसके लिए होगी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वहीं पे रखा हुआ है, उसी से हम सारे स्टाफ की रीडिंग देख रहे हैं। तो एक का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया और इंस्ट्रूमेंट को नहीं हम वहां से हिला रहे हैं, तो सारे स्टाफ का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वही होगा। तो इसी तरह यहाँ पर हमने स्टाफ को हिलाया नहीं है, स्टाफ को वहीं पर, उसको सॉरी इंस्ट्रूमेंट को वहीं रखा है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यही हमारी यहाँ पे आ जाएगी 85.536। और अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी आ गई है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से बैक साइड माइनस कर देंगे तो आर एल आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 85.536, ये तो क्या है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, माइनस 1.906 बैक साइड। इसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर समझ लो, यहां पे समझ लेते हैं, यहां पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी आ गई है यहां पे, क्योंकि हमारे बेंचमार्क गिवन था, यानी कि ये भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी सेम होगी। ठीक है, लेकिन हमें इस पॉइंट का सिक्स्थ वाले स्टाफ का आरएल निकालना है, तो आरएल कैसे निकालते हैं, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये आरएल का मतलब हो गया ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये है आरएल, तो ये कैसे निकालेंगे, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी ये समुद्र तल को ऐड करके आई है, क्योंकि आप देख रहे होगे 80 पॉइंट समथिंग है, तो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर मैं ये रीडिंग माइनस कर दूं बीएस बैक साइड, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा आरएल। तो यही हमने किया है इसमें, आप देख सकते हो कि जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से बैक साइड माइनस की और ये हमारा रीडिंग आ गया। अब इसमें जो सेकंड कॉलम है, ई वाला कॉलम है इनवर्स में, इसमें दोनों रीडिंग आ चुकी है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और आरएल। अब इसमें किसी को डाउट हो, हल्का सा भी डाउट हो, मेरे से पूछ लो, कंफ्यूजन हो सकती है बिल्कुल, तो किसी को भी ई वाली रो में कोई डाउट है कि दोनों रीडिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकाला हमने और आरएल कैसे निकाला, तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। और रेड पेन से मैंने हिंट भी दिया हुआ है कैसे मैंने निकाला है। आरएल जो 83.63 आ रहा है ना, ठीक है, ये पता चल गया कि उस रो का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें पता है। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नोन है, ये ध्यान रखना। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका स्टाफ है, और ये आपकी बैक साइड है। आपको निकालना है आरएल, और मैंने कहा कि आपको इसकी हाइट पता है, हाइट समुद्र तल से है, समुद्र तल से हाइट दी हुई है हमारी, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नॉन है, और ये कितनी आ रही थी देख लेते हैं, ये आ रही थी आपकी 85, ये वाली 85.536, 85.536
536 मीटर समुद्र तल से, ठीक है। आपको आरएल निकालना, आरएल क्या होता है, समुद्र तल से जहाँ पे स्टाफ रखा है ग्राउंड पे वो डिस्टेंस, ये है हमारा आरएल। पहले से अगर आरएल पता होता है उसी को बेंचमार्क कह रहे थे, क्योंकि हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए इसको आरएल कह रहे हैं। तो और ये रीडिंग कितनी है, ये रीडिंग भी बता देता हूँ मैं, ये रीडिंग है आपकी ये वाली 1.906, ये है 1.906। अब आरएल निकालना तो सिंपल है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 1.906 निकाल दोगे तो 83.630 वो आ जाएगा आपका आरएल, ये वाला पॉइंट हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज और तुम्हें बताता हूँ, अगर हम पीछे की ओर चलेंगे तो एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर भी रखा होगा और इस वाले स्टाफ को हमने देखा होगा यहाँ से इस इंस्ट्रूमेंट से, और फिर इंस्ट्रूमेंट को उठा के यहाँ रखा है तो ये रीडिंग फोरसाइट होगी, बिल्कुल सही। अब इस इंस्ट्रूमेंट, इस वाले स्टाफ का जिसपे मैंने, मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इस वाले स्टाफ का आरएल आप निकाल चुके हो, कैसे निकाल चुके हो, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 85.536 इस वाले की, और उसमें से आपने ये बैक साइड माइनस की 1.906, तो आपका आरएल पता है। और अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है कहीं और रखा है और इसी रीडिंग को हम देख रहे हैं और इस रीडिंग का आरएल हमें पता है, तो इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने में हमारी ये आरएल मदद करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी रो में। हाँ हाँ बताओ सर, ई में हमारी एक फोर साइड है और उसके बाद जो नेक्स्ट रो है हमारी एफ, उसमें भी हमारी फोर साइड है, दो कैसे आ रही है ये पूछना चाह रहे हो? अभी बता देता हूँ, मैंने इसका डायग्राम तो बनाया हुआ है, बता देता हूँ। देखो ट्यूब कर लग रहा अपने आपको, ये जो सिक्स्थ स्टाफ है, ठीक है, ये सिक्स्थ स्टाफ है आपका ईरो। ईरो पे क्या आ रही है हमारी, एक बैक साइड आ रही है, एक फोर साइड आ रही है, ठीक है। और जब हमने इंस्ट्रूमेंट को उठाया तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी, जो लास्ट वाली रीडिंग हो गई, क्या हो गई, फोर साइड हो गई। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को हमने उठाया, अगर इस वाली रो में आप देखोगे ई, अच्छा इसमें जो आपको जो कंफ्यूजन होगी ना, एक मैं बता दूं क्या कंफ्यूजन होगी, ये जो ई रो है इसमें दो रीडिंग दे रहा है, बैक साइड और फोर साइड। कोई मेरे को एक चीज बताएगा, ये जो दोनों रीडिंग है बैक साइड फोर साइड, क्या ये इंस्ट्रूमेंट के एक ही जगह से ली गई है या इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग जगह से ली गई है? ई रो में दो क्वेश्चन डेवलप होते हैं, एक क्वेश्चन ये कि ई रो में जो दो रीडिंग दी हुई है बैक साइड और फोर साइड, क्या वो एक ही स्टाफ के ऊपर ली गई है रीडिंग या अलग अलग स्टाफ पे, एक तो ये मुझे बताओ। दूसरा ये बताओ, ये दोनों रीडिंग एक ही जगह से इंस्ट्रूमेंट पे रखे, एक ही जगह इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वहां से ली गई है, या दोनों रीडिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट अलग अलग पोजिशन पे है? जल्दी से कोई बताओ या बोल दो नहीं पता, फिर मैं बताता हूं। नहीं, यही कंफ्यूजन है, देखो बताता हूँ। केवल ई रो को मैं ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहा हूं दोबारा से। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है जहां स्टाफ रखा है, ई का मतलब वो नहीं है कि जहां पे इंस्ट्रूमेंट रखा है, ठीक है। ई पॉइंट का मतलब, यानी कि ये है हमारा ई जहाँ पे हमने स्टाफ रखा। हाँ क्या होगी, अलग अलग होगी ना, ई तो हो गया आपका जो स्टाफ रखा है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा तो आपको यहाँ पे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट यहाँ से उठा रहे हैं तो ये क्या मिल गई, फोर साइड। अब इंस्ट्रूमेंट को हमने यहाँ पे रखा और इसको दोबारा देखा तो ये होगी बैक साइड। तो ई वाले स्टेशन पे रीडिंग तो दो मिली हमें, बैक साइड फोर साइड, और एक ही स्टाफ की मिली, पर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग पोजीशन पे है। और जैसे ही हम एफ रो में आए और एफ रो में हमने इंस्ट्रूमेंट से यहाँ से जो लास्ट रीडिंग हमने देखी वो क्या हो जाएगी, फोर साइड। इसीलिए हमारी यहाँ पे क्या आ रही है, दो फोर साइड आ रही है, एक फोर साइड यहाँ पे आ रही है, एक से यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं रो नंबर डी पे,
रो नंबर डी। अब डी पे भी हमें हाइट इंस्ट्रूमेंट नहीं पता है और आर एल भी नहीं पता है, ठीक है। अगर डी पे हमने देखो क्या निकाला है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकाला है, प्रीवियस आर एल प्लस प्रीवियस फोरसाइट, ये तो फॉर्मूला हो गया, हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से बैक साइड माइनस कर दोगे तो आर एल निकल जाएगा। ये जो आपका पहले, सबसे पहले आपको निकालना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे, प्रीवियस आर एल प्लस प्रीवियस फोरसाइट, ये तो हो गया आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और आर एल कैसे निकालना है, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसी रो का, उसमें से माइनस कर दिया है आपने बैक साइड। अब इसको भी ग्राफिकली समझते हैं, हम किस पे आ गए हैं, हम आ गए हैं डी पे। अब डी यहाँ पे देखो, डी ये है आपका, डी ये है, ठीक है। अब डी पे यहाँ पे, अच्छा मैंने उल्टा बताया हुआ है, यहाँ पे जो है मैंने यहाँ बताया हुआ है, अगर इस टेबल में आप देखोगे ये है, यहाँ पे जो मैंने रो का नाम दिया है वो है आपका इंस्ट्रूमेंट का नंबर। अगर रो का नंबर आप उसका रीडिंग का नंबर देखोगे तो 1, 2, 3 है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है। देखो मैंने, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रो का नंबर नहीं दिया है इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट में स्टाफ तो अलग होगा लेकिन वहां पे इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं किया गया है, ठीक है, ठीक है। अब आप डी की बात कर रहे हो, डी में आपने देखा कि आपने फोरसाइट क्या निकालना है हमें, डी में हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकाली वो बताना है, और आर एल कैसे निकाला है। आर एल तो आपको सिंपल है, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से बैक साइड आपको माइनस करते जानी है और आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर एल निकलता रहेगा। कंफ्यूजन आती है आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में देख लो, डी पॉइंट पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉन्सेप्ट समझना है इसका, ध्यान से न्यूमेरिकल को एक बार को भूल जाना, इसे कॉन्सेप्ट समझना। मैं किसी से पूछूंगा, किसी को पता हो तो बताना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डी वाले इंस्ट्रूमेंट की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें निकालनी है, और जो ई पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है उसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें पता है, ये वाली हमें पता है, ये वाली हाइट पता है, ठीक है। इस हाइट की वजह से हमने क्या निकाला था, सिक्स्थ वाले स्टाफ का आर एल, तो हमें आर एल भी गिवन है, ये प्रीवियस आर एल की बात हो रही है, गिवन है। अब हम इस इंस्ट्रूमेंट में किसी क्या किसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या आर एल की हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तुम ध्यान से देखना, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये वाली, ये निकालना है हमें, ये निकालना है जो मैंने अभी बनाया है। और इस पॉइंट का आर एल हमें गिवन है, अगर मैं इस आर एल में एफ एस एड कर दूं तो क्या हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल जाएगी। इस आर एल में प्रीवियस आर एल है, प्रीवियस आर एल में अगर मैं ये फोरसाइट ऐड कर दूं तो ये हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगी, यही तो मैंने किया है इसमें। टेबल में देखो, इस आर एल में, सॉरी इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में जो प्रीवियस आर एल है 83.63, उसमें ऐड किया है मैंने फोरसाइट और हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। ये देखो, इसको कलर चेंज करता हूं तो और क्लियर आएगा। ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको निकालनी है, ये ठीक है। और आपके पीछे मुड़ के देखोगे तो पीछे वाले इंस्ट्रूमेंट की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें पता है, और उसी से हमने निकाला था सिक्स्थ वाले स्टाफ का आर एल। तो क्या इस आर एल को, जो मैंने एक बार और बता चुका हूँ, इस आर एल की हेल्प से हम जो अभी इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है उसका एच आई निकाल सकते हैं, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट से हम इस आर एल को भी देख रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, फोरसाइट जो हमें मिली है 2.824। आर एल पता है हमारा, इस जहाँ पे हमने स्टाफ को रखा है समुद्र तल से ऊंचाई हमें पता है, तो हम इसमें अगर फोरसाइट ऐड कर दें तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगी। अब ध्यान से देखना, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें मिल गई, ठीक है, और हमें निकालना क्या है, इस वाले का आर एल निकालना है, फिफ्थ का। अगर आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है, उसमें से बैक साइड यही तो निकालना है, मैं ये जो ब्लू वाला मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, आर एल ओ फिफ्थ, आर एल ओ फिफ्थ पॉइंट, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ग्रीन वाला है। इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये बैक साइड अगर मैं माइनस कर दूं तो आर एल आ जाएगा। तो डी वाली रो में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकाला हमने, बैक वाले प्रीवियस आर एल में से फोर्थ साइड को माइनस कर दिया, और हमने आर एल कैसे निकाला फिफ्थ स्टाफ का, हमने उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से बैक साइड को माइनस कर दिया। अगर आप देखोगे कैलकुलेशन में तो देखो, यहाँ पे प्रीवियस आर एल 83.6, ये वाला आर एल
इसमें ऐड किया है ये वाली फोरसाइट, तो हमारा आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस कर दिया है ये बैक साइड, तो हमारा निकल के आ गया है आर एल। ठीक है, डी वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ ई वाली रो में, ई रो सॉरी इंटरमीडिएट वाली रो में, इस वाली रो में आ जाओ, इसमें भी हमारे पास आर एल नहीं है और ना ही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखो, जो इंटरमीडिएट वाली रो है उस रो में मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को पूरे को रेड पेन से लिखा है, ब्लैक पेन से नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वहीं पर निकालते हैं जहां पर हमारा चेंजिंग पॉइंट हो, जहां पर इंस्ट्रूमेंट उठाया जा रहा है या जहां पर दोनों साइट आ रही है, बैक साइड भी आ रही है फोर साइड भी आ रही है। ठीक है, लेकिन हम क्यों नहीं निकालते हैं इंटरमीडिएट साइड का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इंटरमीडिएट साइड का जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा वो प्रीवियस ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये सब हटाते हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड ये है हमारी, तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो हमने बैक साइड लिए जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा ये वाला, यही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज होगा इंटरमीडिएट के लिए, यही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज होगा फोर साइड के लिए। ठीक है, इसीलिए हम केवल उस रो का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं जिसमें बैक साइड और फोर साइड गिवन है, और उन्हीं का जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वही काउंट होता है इंटरमीडिएट में। इसलिए मैंने रेड पेन से लिखा है, लेकिन हम निकाल भी सकते हैं, लिखते नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं। कैसे निकाला है, प्रीवियस आर एल प्लस प्रीवियस फोर साइड, वही जो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है जो यहाँ पे लगा हुआ है। प्रीवियस आर एल क्या है हमारा 85.470, प्रीवियस फोर साइड क्या है हमारा 1.22, दोनों को ऐड किया तो हमारा आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और अब निकालना है आर एल, तो आर एल कैसे निकालना है हमें कि जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से हम क्या माइनस कर रहे थे, बैक साइड, लेकिन यहाँ तो बैक साइड नहीं है तो यहाँ से क्या माइनस करेंगे, इंटरमीडिएट साइड, तो इंटरमीडिएट हमने साइड माइनस कर दी है, तो हमारा यहाँ पे आ चुका है आर एल भी और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और यही हमारा ऊपर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा सेम, क्योंकि हमारा जो है इंटरमीडिएट साइड है, तो इससे ऊपर वाला जो होगा जो मैंने अभी यहाँ पे ग्राफिकली आपको बताया कि इंटरमीडिएट साइड से ऊपर जो हमारी बैक साइड फोर साइड ली गई है वो सेम होगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो हमने यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रख दिया है। और अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम है तो आप कैसे आर एल निकालोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से बैक साइड माइनस कर दिया, वही फॉर्मूला लगता जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे प्रीवियस आर एल प्लस फोर साइड, प्रीवियस आर एल प्लस फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस बैक साइड। अब आपको ये तो कॉन्सेप्ट था, एक चीज और मैं बताऊंगा, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर ना आया हो उसको, और बेंचमार्क लास्ट में दिया हुआ है उसको एक रूल बता देता हूं मैं, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, जिसको फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है उसके लिए बता रहा हूं मैं। एक तो आपको इनवर्स कैलकुलेशन करनी है फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप जो आपकी लास्ट वाली रो है उसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्मूला लगाते जाना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए, क्या फॉर्मूला लगाते जाओगे आप, प्रीवियस पी आर का मतलब प्रीवियस आर एल प्लस प्रीवियस पी आर फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का ये फॉर्मूला आपको लगाते जाना है और पूरे कॉलम की आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगी। केवल कहां पर नहीं लगेगा ये, केवल इंटरमीडिएट में नहीं लगेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट में सॉरी हाँ सब में लगेगा, ये सब में लगेगा, लेकिन अगर हम आर एल की बात करें तो आर एल के लिए ये फॉर्मूला है। आर एल के लिए फॉर्मूला क्या है, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है आपकी उस रो की उसमें से माइनस कर देंगे बैक साइड, अगर बैक साइड गिवन नहीं है तो माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट साइड, बस ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपको लगाना है। अब मैं दोबारा से इस फॉर्मूले से ट्राई करता हूँ, देखो जो आपकी लास्ट वाली रो है उसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं निकाली है, जो मैंने फर्स्ट रूल क्या बताया, इनवर्स कैलकुलेशन, इनवर्स कर रहे हैं करेक्ट। सेकंड रूल बताया मैंने, लास्ट वाली रो में आपको कुछ नहीं निकालना है, कुछ नहीं निकाला हमने करेक्ट। थर्ड रूल क्या बताया कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है पहले, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकाला, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो ये आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रीवियस आर एल क्या है 83.50, प्रीवियस फोर साइड क्या है 2.036, इससे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका कि आपको आर एल निकालना है, आर एल कैसे निकालना है कि उस रो का जो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गया है उसमें से माइनस करनी है बैक साइड, अगर गिवन है, बैक साइड गिवन नहीं है तो इंटरमीडिएट साइड गिवन होगी,
तो हमारे पास इस रो में बैक साइड दी मैंने माइनस करी, आर एल आ गया। ऊपर वाली रो में चलते हैं, फॉर्मूला वही, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकाला, जो आपकी जो आपका प्रीवियस आर एल है 83.63, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें ऐड करना है फोर साइड 2.834, हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। आर एल कैसे निकालना है, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से बैक साइड हमने माइनस कर दी, ये बैक साइड आ गया। ऊपर वाली रो में चलते हैं, तो यहाँ पे हमें सेम वही फॉर्मूला निकाल लगाना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो हमारा प्रीवियस आर एल है प्लस प्रीवियस फोर साइड, हमारा आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लेकिन यहाँ पे बैक साइड नहीं गिवन है, तो हाइट ऑफ आर एल कैसे निकालेंगे, प्रीवियस आर एल माइनस इंटरमीडिएट साइड, ये आ गया। सेम यही फॉर्मूला लगाते जा रहा हूँ, सारी चीज कैलकुलेट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, समेशन ऑफ बैक साइड, समेशन ऑफ फोर साइड, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, एक वैल्यू आ जाएगी आपकी लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, एक वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों अगर वैल्यू इक्वल आ रही है तो आपकी सारी कैलकुलेशन करेक्ट है, ठीक है। एक था आपका कॉन्सेप्ट, एक था आपका फॉर्मूला लगाना, इनवर्स में लगाना है, ये आपका क्लियर था। किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। कोई डाउट है किसी को? मे भी देखो हो सकता है किसी ने आज ही क्लास ज्वाइन की हो, प्रीवियस ना किया, उसको डाउट हो सकता है। किसी ने फोकस ना किया, उसको डाउट हो सकता है, ठीक है। ये लेक्चर आप दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना, मैं इसको अभी ओलंपस पे डाल दूंगा। और ये जो मैं इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ, स्लाइड यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं गूगल क्लास पे, सॉरी गूगल क्लास कह रहा हूँ, नोट्स में डाल दूंगा, जो नोट्स का फाइल्स का ऑप्शन आता है, आप दो तीन बार देख लेना, और डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना मैसेज करके या कैसे भी करके कि क्या है जी। मैंने दोनों तरीके से बता दिया है कि कॉन्सेप्ट क्या है और फॉर्मूला लगा के आप कैसे आप सोल्व करोगे इसको, ठीक है। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको बुक ले लो या आप डाउनलोड करके कोई बुक, या आप इंटरनेट से देख लो, आप इसकी प्रैक्टिस करो। नहीं आता है, सॉल्व नहीं होता है तो आप मेरे को भेजो, मैं उसकी एक वीडियो बना के भेज दूंगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 100-200% इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा एक्सटर्नल में। तो ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आर एल निकालने का दोनों मेथड से, राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, तो आपके जो मैक्सिमम नंबर है, या मेरे को ध्यान नहीं आ रहा 9 नंबर का आता है कि 7 का आता है, तो वो आपके कन्फर्म हो जाएंगे, बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे, और 100% ये आना ही जरूर है, ठीक है। तो 1:40 हो चुके हैं, कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख के क्लियर कर लेना, और बाद में भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगली क्लास में एक राइज एंड फॉल का मेथड और कराना है, टाइम कम पड़ गया, मैंने सोचा था इसी में कराऊंगा, राइज एंड फॉल का कराना है इसी इनवर्स कैलकुलेशन में। उसके बाद हम लेवलिंग को छोड़ के दूसरी चीज स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ पूछना बताना है तो बताओ। 30 स्टूडेंट आए हैं,